ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम वी कंक्लूडेड वेयर हम निकाल रहे थे व्हाट परसेंटेज एरर, राइट, रिलेटिव एरर, रेंज ऑफ एरर, राइट, एब्सोल्यूट एरर, एंड मीन एब्सोल्यूट एरर. हमने ये सब पढ़ा था. आज हम क्या करेंगे, जब हम दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें एरर कैसे फाइंड करते हैं. व्हेन वी मल्टीप्लाई टू क्वांटिटीज, हाउ वी कैलकुलेट द एरर. ठीक है, सो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद रखना कुछ रूल्स है. फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, पहले हम ये दो रूल पढ़ेंगे. ठीक है, देखो व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, दो क्वांटिटीज जब एड और सब्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है, इन द फाइनल रिजल्ट व्हाट हैपेंस, द एरर, एब्सोल्यूट एरर एड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. एग्जांपल, सपोज मेरा ए है 2.1 plus minus 0.4 एंड बी है मेरा 1.9 plus minus 0.2. अगर मैं ए प्लस बी करता हूं या ए माइनस बी करता हूं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो क्या जाएगा, 5.0, और एरर क्या होगा, एरर ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, +0.6. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर्स, ये एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाएंगे. जब मैं माइनस करता हूं दो क्वांटिटीज को, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, 0.2, राइट, लेकिन एब्सोल्यूट एरर मेरे जब भी ऐड होंगे +-0.6. तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, हमेशा याद रखना. सम, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस. अब देखो रूल टू क्या है, व्हाट इज सेकंड रूल, जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, व्हेन आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या होते हैं, परसेंटेज एरर एड होते हैं. अब देखो परसेंटेज एरर एंड एब्सोल्यूट एरर में फर्क है, मैंने कल आपको बताया था, राइट, हम इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. एग्जांपल, सपोज मेरा ए है, माय ए इज 2 plus minus 0.1%, बी है मेरा 3 plus minus 0.4%. तो देखो अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं ए और बी का, व्हेन आई मल्टीप्लाई ए इनटू बी, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दिस गेट्स मल्टीप्लाइड 6, लेकिन एरर्स क्या होते हैं, एरर्स, परसेंटेज एरर्स ऐड होते हैं, परसेंटेज एरर्स ऐड होते हैं, क्या हो जाएगा ये 0.1 plus 0.4, क्या हो जाएगा, 0.5%. ठीक है, जब मैं डिवाइड करता हूं, चलो बी बाय ए लेते हैं, क्या होगा, 3/2 plus minus, क्या हो जाएगा, ऐड होंगे, परसेंटेज एरर फिर ऐड होंगे. तो फर्स्ट रूल क्या है, जब मैं दो क्वांटिटीज को ऐड करता हूं तो मेरे एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते हैं, और अगर मैं दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करता हूं, जब भी एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते हैं. वैसे ही जब मैं दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं, मेरे परसेंटेज एरर ऐड होते हैं. कितनों को समझ में आ रहा है ये, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, आ रहा है, ठीक है. आपको ये कॉन्सेप्ट में और डीप जाने से पहले मैं कुछ फटाफट आपको रूल्स बता देता हूँ. सिग्निफिकेंट डिजिट इन कॉम्प्यूटेशन, जब हम कोई कॉम्प्यूटेशन करते हैं, कॉम्प्यूटेशन मतलब क्या, दो क्वांटिटीज को एड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट,
एवरेज, परसेंटेज, तो कैसे हमारी डेसिमल वैल्यूज हमें कंसीडर करनी चाहिए। अब देखो, जब दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर ऐड और सब्ट्रैक्टेड, सिग्निफिकेंट वी कंसीडर द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल। आपको तीन चार एग्जांपल से बताता हूं, ये किया है हमने लेकिन आज के लिए जरूरी है ये एग्जांपल। 2.1 प्लस 1.9, देखो इसका डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 1, इसका डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, सम क्या होगा इसका 4, लेकिन 4 नहीं होगा, 4.0, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, तो आंसर में भी एक लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट डेसिमल के बाद आना चाहिए 1, तो दिस इज माय करेक्ट आंसर। फॉर एग्जांपल आई टेक 1.11, 1.62, 1.1, इसको ऐड करो क्या होगा 3.83। अब देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 2, इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो मेरा डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट बचेंगे, डेसिमल के बाद मेरा एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट बचना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आंसर, राउंड ऑफ करो 3.83 का राउंड ऑफ क्या होगा 3.8, ये मेरा आंसर है। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 1.21, 1.34, 1.2, इसको ऐड करते क्या आएगा 3.75। देखो इसके डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसके डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसका डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, ऐड करूंगा तो क्या होना चाहिए मेरा फाइनली आंसर, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट में आना चाहिए, फाइनली आंसर मेरा 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में आना चाहिए, तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा। देखो अब ऑड के बाद 5 है, देयर इज 5 आफ्टर ऑड, मैंने आपको बताया था अगर 5 ऑड के बाद हो तो क्या होगा 3. क्या हो जाएगा 8, ये मेरा आंसर हो गया 5 आफ्टर ऑड, तो इंक्रीज होता है राइट। चलो दो क्वेश्चन और फिर हम फिनिश करेंगे। 1.21, 1.34, 1.1, देखो इसके डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसके डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसका डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1.65। अब देखो इवन के बाद, अब देखो आंसर मेरा 1 सिग्निफिकेंट डिजिट पे आना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट पे आना चाहिए, तो देखो 5 के बाद अब राउंड ऑफ करो क्या होगा, देखो 5 इज आफ्टर इवन, तो क्या होगा इवन में इंक्रीमेंट नहीं होता, जब 5 इवन के बाद होता है तो इंक्रीमेंट नहीं होता, क्या हो जाएगा आंसर 1.6। ये कुछ एडिशन के एग्जांपल। हाँ बोलो सर, यहाँ पर एडिशन में लास्ट एडिशन में 3.3, थैंक यू 3 आएगा, ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है। 60.211 माइनस 41.19। अब देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, आंसर मेरा कितने में आना चाहिए, आंसर मेरा 2 डेसिमल डिजिट पे आना चाहिए, पहले सॉल्व करो। ये मेरा आंसर आ रहा है राइट 19.021, लेकिन आंसर मेरा कितना डेसिमल डिजिट तक आना चाहिए, आंसर मेरा 2 डेसिमल डिजिट तक आना चाहिए, क्यों, लीस्ट डिजिट कितना है 2 है, तो देखो क्या हो जाएगा आंसर, 2 को राउंड ऑफ करो, 2 के बाद 1 है, 2 के बाद 1 है, 5 से कम है, तो क्या हो जाएगा 19.02 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम यूज करेंगे अभी जब हम आगे यूज पढ़ेंगे। कितनों को ये समझ में आ रहा है, हाउ मेनी अंडरस्टैंड, हाँ बोलो सर, रिलेटिव एरर की प्लस माइनस, उस पे वो भी क्वेश्चन करेंगे, पहले ये कांसेप्ट आएगा जब भी उस पे कर पाएंगे हम, ठीक है, आपको ये आएगा जब भी वहां पे भी यूज होगा।
वैसे मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन एक एग्जाम्पल लेते हैं. देखो मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन में क्या होता है, सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 2.1 इनटू 4.12. अब देखो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 2, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट है 3. प्रीवियस केस में डेसिमल के बाद देखते थे, इसमें टोटल देखते हैं. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, दो सिग्निफिकेंट डिजिट क्यों, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है राइट, तो मैं क्या करूंगा राउंड ऑफ करूंगा. अब देखो 6 के बाद ऑड है, 6 के बाद ऑड, 6 के बाद ऑड है, तो क्या हो जाएगा ये 8.6 ही रह जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि मैं मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट रखूंगा 2. वैसे डिविजन में होता है, डिविजन में कैसे 4.22 को डिवाइड करना है 1.0 से, 4.22 डिवाइड बाय 1.0, 4.22 के कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 3, 1.0 के कितने है 2 राइट, डेसिमल के बाद हम कंसीडर करते हैं, क्या आएगा आंसर 4.22 आएगा, 1 से डिवाइड कर रहे हो लेकिन कितने सिग्निफिकेंट डिजिट रखूंगा मैं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, आंसर क्या आ जाएगा 4.2. कितनों को आ रहा है समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस, आया तो ठीक है. अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज जब हम एवरेज लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं, जैसे मैंने एवरेज लिया 1.25 प्लस 1.21 प्लस 2.22 डिवाइड बाय 3, तो देखो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट वी डोंट कंसीडर. देखो न्यूमेरिकल वैल्यू का हम सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, आप एवरेज लेते हो तो आप जब इसको करते हो डिवाइड बाय 3 तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट हम कंसीडर नहीं करते, याद रखना क्यों, क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं, डोंट कंसीडर दिस, आंसर क्या हो जाएगा, राइट. अब इसको डिवाइड करो क्या आएगा 1.56, ये आंसर हो गया मेरा, ठीक है. वैसे ही परसेंटेज में आपका क्या रहता है, परसेंटेज में आपका क्या रहता है 100 लगता है राइट, सपोज आई डू लाइक दिस 2 by 2.2 by 1 into 100. अब देखो मैं इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर नहीं करूंगा, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर नहीं करूंगा, मैं बस इन दो का सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर करूंगा, ठीक है. अब इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, इसका 2 है सिग्निफिकेंट डिजिट, इसका 1 है, 1 है क्योंकि ये, तो क्या हो जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यही है, तो क्या आ जाएगा 2.2 का सिग्निफिकेंट डिजिट फिर क्या रहेगा 2 हो जाएगा इन 200, तो आंसर आ जाएगा 200, ठीक है ना. तो अब ये याद रखना, ये 100 का डेसिमल, 100 का सिग्निफिकेंट डिजिट हम कंसीडर नहीं करते, वैसे डिवीजन में हम डिनोमिनेटर का सिग्निफिकेंट डिजिट जिससे एवरेज ले रहे हो कंसीडर नहीं करते, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है. ये लास्ट है, इसको हम सॉल्व करते वक्त ही करेंगे, ऐसे आपको इतना समझ नहीं आएगा, इसके बाद हम फटाफट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है. देखो फॉर इंटरमीडिएट स्टेप्स इन कैलकुलेशन, जब मैं इंटरमीडिएट स्टेप में हूँ कुछ कैलकुलेशन में 5-6 कॉम्पिटिशन होते हैं, पहले ऐड करो फिर सपोज मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, हम ऐसे करते हैं मल्टीपल कॉम्पिटिशन, तो हम एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट डिजिट लेते हैं, राउंड ऑफ हम आखिरी में करते हैं, ठीक है, मैं आपको सॉल्व करते वक्त समझाऊंगा, ठीक है. तो हम फटाफट कुछ क्वेश्चन करते हैं. अब देखो टेक दिस फर्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1, ये T1 है ये T2 है, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर इन देम. तो देखो
टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, टी टू माइनस टी वन, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो लेकिन जो जो एरर है मेरा वो क्या होगा, ऐड होगा, तो क्या होगा प्लस माइनस वन, 0.5 प्लस 0.5 ना, वन होगा ना। अब क्या मेरा वन करेक्ट है आंसर? देखो वन करेक्ट नहीं है, देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें वन है, इसमें वन है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट डिजिट आना चाहिए, क्या होगा 1.0। कितनों को आया समझ में? आया ठीक है, तो ठीक है। अब देखो द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी बाय आई, वेयर वी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 एंड आई इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2। फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। अब देखो वी क्या है मेरा 100 प्लस माइनस 5, आई क्या है मेरा 10 प्लस माइनस 0.2। अब मुझे क्या करना है, आर निकालना है जो वी बाय आई है। देखो पहले इसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करो, परसेंटेज फॉर्म में, क्यों, जब हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं वी हैव टू डील विद दिस इन परसेंटेज एरर, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया क्या, परसेंटेज एरर ऐड होते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में, राइट, तो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वी क्या हो जाएगा मेरा, वी इक्वल टू, अब इसको कन्वर्ट करो, परसेंटेज एरर क्या होगा, बी का परसेंटेज एरर क्या होगा 5/100 एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय वैल्यू राइट इनटू 100, क्या आ जाएगा आंसर 5%। वैसे ही परसेंटेज एरर मेरा किसमें, आई में क्या आएगा 0.2 डिवाइड बाय 10 इनटू 100, क्या आ जाएगा 2%। अब देखो अब मेरा हो जाएगा v इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5%, i इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2%। यहां तक कितनों को समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर, आया। अब मुझे r निकालना है, तो देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 100 बाय 10 और इनको ऐड कर दो प्लस माइनस 7%। यस मैं अगेन रिपीट करता हूं, 10 प्लस माइनस 7%, ये मेरा आर हो गया। देखो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, देखो ये मेरी क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये मेरी क्या है एक्चुअल वैल्यू। परसेंटेज एरर क्या होता है मेरा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, आया अभय समझ में? आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था कल, याद आ रहा है, ये वैल्यूज थी मेरे 5, इसका एवरेज लिया था, ये मेरा वैल्यू हो गया 2.62, देखो ये आ गया, फिर मैंने मीन से सब्ट्रैक्ट किया था तो मेरा एब्सोल्यूट एरर आया था जो हर बार पॉजिटिव होता है, फिर इसका मैंने एवरेज लिया था, फिर मैंने इसका एवरेज लिया था, वो क्या आ गया था मेरा, वो मेरा आ गया था मीन एब्सोल्यूट एरर, और फिर मैंने 0.1 बाय दिस मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू भी बोल सकते इसको, एक्चुअल वैल्यू उससे डिवाइड करके इनटू 100 किया तो परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज डू वन मोर क्वेश्चन। सपोज मेरा ऑब्जेक्ट का लेंथ है 2 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 1, ब्रेथ है उसका 4 प्लस माइनस 2, कैन यू फाइंड एरिया विथ एरर लिमिट्स।
एरिया विद एरर लिमिट्स, दोनों परसेंटेज एरर में भी एंड विद मीन एब्सोल्यूट एरर भी। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेंथ है मेरा 20 प्लस माइनस 1, इसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्या हो जाएगा, 1/20 × 100 कितना होगा 5%, मतलब क्या 20 प्लस माइनस 5%, ब्रेथ क्या होगा 4 प्लस माइनस 2 है, इसको कन्वर्ट करो क्या होगा 2/4 × 100, क्या 4 प्लस माइनस 50%। अब देखो इसका मैं क्या निकालता हूं, एरिया, एरिया क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर में, देखो एल इंटू पी होता है एरिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 4 क्या हो जाएगा 80, राइट, प्लस माइनस परसेंटेज एरर ऐड कर दो क्या हो जाएगा 55%, कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, हाँ बोलो, करना जरूरी है, आपकी वैल्यू, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, हाँ परसेंटेज में कन्वर्ट करना जरूरी है क्या, देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जरूरी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में परसेंटेज एरर ऐड होते हैं, आ रहा है समझ में। अब देखो एरिया मतलब क्या, प्रोडक्ट हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है तो आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज एरर ऐड होते हैं, अगर क्वेश्चन में ही परसेंटेज एरर के फॉर्म में दिया तो बहुत अच्छा है। अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर देखो अब कैसे निकालेंगे, देखो 80 प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट मतलब विदाउट परसेंट, सपोज ये x है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा x बाय 80 × 100 इज इक्वल टू 55, राइट, x क्या आ जाएगा मेरा 55 × 8/10, सॉल्व कर दो, क्या आएगा 44, तो क्या आएगा 80 + −44, कितनों को समझ में आ रहा है। अब देखो ये मेरा किस फॉर्म में, ये मेरा एब्सोल्यूट एरर फॉर्म में विदाउट परसेंटेज के फॉर्म में, अब देखो इसको लेके मैं कन्वर्ट करूंगा, देखो ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है, ये मेरी परसेंटेज वैल्यू है, मुझे परसेंटेज वैल्यू को से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मेरा इस केस में एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े तो ठीक है, लेट्स गो अहेड। अब मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूं, थर्ड प्रॉपर्टी, सपोज मेरा रेडियस है आर इज, या कोई भी क्वांटिटी आर है, इज 4 + −1%, ठीक है 4 + −1%, तो आर क्यूब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी आर क्यूब, आर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर दो 4 का क्यूब जैसे हर बार करते हैं, और जो परसेंटेज एरर है उसमें क्या करो, ये 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1%, क्या आ जाएगा 64 + −3%। अगर मेरे को कुछ ऐसे दिया है, ए है मेरा 6 + −0.1%, बी है मेरा 6 + −0.2%, अब मुझे करना है क्या, ए स्क्वायर बी क्यूब का एरर निकालना है, एरर परसेंटेज एरर किसका, ए स्क्वायर बी क्यूब का, तो क्या करूंगा 0.1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 0.1 + 3 × 0.2, क्या आंसर आ जाएगा मेरा 0.2 + 0.6, ये क्या हो जाएगा 0.8, ये मेरा परसेंटेज एरर आ गया।
तो ये थर्ड रूल, ये थर्ड रूल दूसरे से ही आया है। अब देखो अगर आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ। देखो सपोज मुझे ए क्यूब करना है, ए है मेरा 2 ± 0.1%, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए। अब मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट होता है तो ऐड होती है, ऐड होती है पावर्स, सॉरी एरर्स ऐड होते हैं, परसेंटेज एरर्स ऐड होते हैं, तो 0.1% प्लस 0.1% प्लस 0.1%, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 3 × 0.1% क्या आ जाएगा, 0.3%। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। तो ठीक है अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है अब देखो, जेड इज इक्वल टू ए क्यूब, जेड इज इक्वल टू ए क्यूब, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, जेड इज इक्वल टू ए क्यूब, माय जेड इज इक्वल टू ए क्यूब, जेड को कैसे लिखते हैं हम, जेड को हम कैसे लिखते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये क्या है मेरा एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है इक्वल टू क्या, 3 times हो जाएगा क्या, ऐसे लिखेंगे देखो, अरे म्यूट तो कर लो, तो देखो मेरा, देखो डेल जेड बाय जेड इनटू 100, ये मेरा परसेंटेज एरर है किसका, जेड का, इज इक्वल टू 3 times डेल ए बाय ए, ये क्या है मेरा एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको मैं परसेंटेज एरर में, ये परसेंटेज एरर हो गया राइट, ये मेरा क्या हो गया परसेंटेज एरर, आई कैन राइट परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू 3 times ऑफ परसेंटेज एरर इन ए, तो क्या हो जाएगा डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100 इज इक्वल टू 3 times डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। ठीक है 100 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाय ए। तो अब देखो इससे मैं एक कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं, अगर मेरा एरिया है L into B, तो क्या लिख सकता हूं, डेल्टा A by A is equal to डेल्टा L by L plus डेल्टा B by B, ये परसेंटेज एरर का सम है। अगर मेरा है A equal to एरिया, जैसे देखो R cube, R cube, तो क्या लिखूंगा मैं, R cube B square, तो डेल्टा A by A is equal to 3 times of डेल्टा आर बाय आर प्लस 2 times ऑफ डेल्टा बी बाय बी। कितनों को आ रहा है समझ में, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस, अभय आकांक्षा कंचन मानव प्रत्युष रितेश संजय करमजोत सुशील सोनाली, आ रहा है? ठीक है फटाफट इसका आंसर दो, यस वापस से बताऊंगा फिर तुझे, ये क्वेश्चन में आएगा आपको समझ में, जेड इज इक्वल टू ए फोर प्लस बी की पावर 1/3, जेड इज इक्वल टू ए फोर अपॉन बी की पावर 1/3 डिवाइड बाय C, so A into B की पावर 1/3 डिवाइड बाय C D की पावर 3/2। अब देखो कैसे लिखेंगे, डेल्टा Z बाय Z इज इक्वल टू 4 times ऑफ डेल्टा A बाय A प्लस 1/3 ऑफ डेल्टा B बाय B। देखो ऐड होता है, ऐड होगा, देखो हमेशा एरर्स मेरे ऐड होते हैं, चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, एरर्स क्या होते हैं मेरे ऐड होते हैं, परसेंटेज एरर, ये परसेंटेज एरर है, प्लस
डेल्टा सी बाय सी प्लस 3/2 डेल्टा डी बाय डी। बस इसमें से 100 हटा दिया है क्योंकि वो कॉमन है इसलिए कैंसिल हो गया है। देखो परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन डी। आया समझ में प्रत्युष? कितनों को आया समझ में? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो याद रखना ये एक्चुअली क्या है, परसेंटेज एरर फॉर्म काउंट करने का तरीका है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, R इक्वल टू V बाय I, V मेरा ये है, I ये है, कैन यू फाइंड परसेंटेज एरर इन R? R इज इक्वल टू V बाय I, तो देखो डेल्टा R बाय R इनटू 100, ये परसेंटेज एरर होता है, इज इक्वल टू क्या, V का परसेंटेज एरर इन V प्लस परसेंटेज एरर इन I। परसेंटेज एरर ऐड कर देते हैं, V का परसेंटेज एरर क्या होगा, 5/100 × 100 क्या आ जाएगा, 5%। I का क्या होगा परसेंटेज एरर, 2/100 × 100 2%। ऐड कर दो क्या आ जाएगा, 5% प्लस 2% इक्वल टू 7%। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन क्या है, R1 प्लस R2। ठीक है, तो देखो अब एडिशन है, एडिशन में परसेंटेज एरर नहीं लेते, एडिशन में क्या लेते हैं, हम एडिशन में हम क्या लेते हैं, नॉर्मल एरर्स को ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस 3, ये R1 है राइट, और R2 है मेरा 200 प्लस माइनस 4, क्या आ जाएगा फाइनली, 300 प्लस माइनस 7। तो देखो कहां पे परसेंटेज एरर लेना है, कहां पे नहीं लेना है, वो कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन है या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज है, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में नॉर्मल एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली। क्वांटिटी P is calculated as follows. P is equal to A cube B square by CD. Percentage error in P is. Percentage error in P is equal to क्या? 3 times of percentage error in A plus 2 times of percentage error in B plus percentage error in C प्लस परसेंटेज एरर इन डी। देखो परसेंटेज एरर में ऐड करो सीधे, 3 + 2 × 2, ए का परसेंटेज एरर 1 है तो 3 × 1, बी का कितना है 2 तो 2 × 2, प्लस सी का कितना है 3 × 1, प्लस डी का कितना है 4 तो 3 + 4 + 3 + 4 इक्वल टू 14%। कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है इसमें? ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं।
देखो तो रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड बाय 1.2 प्लस माइनस 2%। आर क्या है मेरा 1.2 प्लस माइनस 2%। कैलकुलेट द वॉल्यूम विद एरर लिमिट्स। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 πr³। यही है फॉर्मूला, v इक्वल टू क्या 4/3 πr³। तो मेरा परसेंटेज एरर v में कितना होगा, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन v, 3 × % error in r। देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे, तो परसेंटेज एरर इन v कितना हो जाएगा, 3 × 2 क्या हो गया 6%। तो परसेंटेज एरर इन v मिल गया मुझे 6%। अब मुझे वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू क्या होगी 4/3 πr³। डाल दो 4/3 × 3.14 × 1.2 का क्यूब, तो 4/3 × 3.14 × 1.2 × 1.2 × 1.2। अब देखो इसमें आपको क्या रखना पड़ेगा ध्यान, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। अब देखो 4/3 × 3.14 क्या ये मेरे सिग्निफिकेंट डिजिट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आर दीज थिंग्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन माय सिग्निफिकेंट डिजिट, यस और नो? ये नहीं करेंगे, ये क्यों नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू से। मैंने आपको क्या बोला, न्यूमेरिकल वैल्यूज कंट्रीब्यूट नहीं करते, न्यूमेरिकल वैल्यूज कंट्रीब्यूट नहीं करते, राइट? मेरी बाकी वैल्यूज कंट्रीब्यूट करती है, रेडियस, लेंथ, टाइम, मास, ये सब कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका फाइनल आंसर आएगा। आपके पास ज्यादा स्पेस है, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी आंसर दो, मैं भी एक मिनट में कर दूंगा। आपका कुछ आंसर आ रहा होगा 7.23456। ये आंसर सही है, मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा है तो लिखा हुआ है। अब देखो इसका आंसर, देखो ये मेरा कितना मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट, देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो मेरे आंसर के सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होने चाहिए, आंसर के सिग्निफिकेंट के डिजिट कितने होने चाहिए, 2 digit तक, कितने 2 digit तक, तो ये क्या हो जाएगा 2 digit तक, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 7.2, हाँ सॉरी 10.2 आएगा, यहां पे राउंड ऑफ हो जाएगा, तो क्या आ गया मेरा v का वैल्यू आ गया 7.2, आंसर आ जाएगा 7.2 प्लस माइनस 6%, ये आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू 2π√L/g, ये फॉर्मूला दिया है मुझे, ठीक है, where L is measured is 20 centimeter known to 0.1 or we can say 1 millimeter. So, mera L ka measured kya hai? 20.0 centimeter or accuracy kya hai mera? 0.1 centimeter. Kyun ye millimeter ko centimeter mein convert karna padega? Ab dekho. Time for 100 oscillation of a pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. 1 second resolution मतलब क्या? उसका error limit. मैंने आपको कल बताया था, जैसे घड़ी है, घड़ी में देखो ये 12 है, ये 1 है, 12 और 1 के बीच में कुछ डिविजन होते हैं, तो मेरी घड़ी इसका इसका रेजुलेशन मतलब इतना वैल्यू ये मेजर कर सकती है, तो ये एरर होता है उसमें, तो टाइम क्या हो जाएगा मेरा,
90 प्लस माइनस 1 सेकेंड। जैसे आपका मीटर स्केल है, नॉर्मल स्केल है, उसका रेजोल्यूशन कितना है? प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, कल मैंने बताया था, राइट? वैसे घड़ी का कितना होता है? प्लस माइनस 1 सेकेंड, ठीक है? अब आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ग्रेविटेशन, जी के वैल्यू? तो कुछ नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाओ। देखो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, स्क्वायर करो, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, t स्क्वायर g बाई 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी g निकालना है तो उल्टा कर दो, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर। अब देखो परसेंटेज एरर इन g इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन l प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन t। मुझे एक्यूरेसी निकालनी है, एक्यूरेसी मतलब कितना एरर कितना है। जैसे मेरा लेंथ है l, उसका एरर कितना है मेरा 0.1 सेंटीमीटर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, परसेंटेज एरर, l का परसेंटेज एरर क्या होगा? 0.1 बाय 20.0 इंटू 100 प्लस t में कितना आएगा, 2 इंटू क्या आ जाएगा, 1 बाय 90 इंटू 100। कितनों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? नहीं, ऑनेस्टली पूछ रहा हूं, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? ये आपने उसे पढ़ा होगा, राइट? ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करो, 0.1 बाय 2.0 इंटू 100। अब देखो जब इसको डिवाइड करोगे, देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है डिजिट, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने है? 3। तो आंसर का सिग्निफिकेंट डिजिट कितना आएगा? 1 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस, अब इसको देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ये हो रहा है मेरा 220 बाय 9, कितना आएगा? अब देखो टी का इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है। देखो 2 और 100 कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये 2 और 100 कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 1। तो 1 बाय 9, अब क्या आ जाएगा फाइनली? 20 बाय 9, क्या आएगा ये? 2.2222 चलते रहेगा, राइट? 2.2222। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या? जब इंटरमीडिएट स्टेप हो कैलकुलेशन में, तो हम एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट कंसीडर करते हैं, एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट डिजिट। आपने अपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि राउंड ऑफ लास्ट में करते, बीच में नहीं करते, पढ़ा है आपने, है ना? राउंड ऑफ लास्ट में करते, बीच में नहीं करते, राइट? तो इसमें भी यही करेंगे। देखो ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक है, लेकिन मैं राउंड ऑफ यहां नहीं करूंगा, मैं ध्यान में रखूंगा कि एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक है ये, और ये कितना है, ये भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक है, लेकिन मैं राउंड ऑफ कहां करूंगा? लास्ट में करूंगा। तो देखो फाइनली क्या होगा, 0.5 प्लस 2.2, आंसर क्या आ जाएगा? 2.7। अब यहां राउंड ऑफ करो, क्या आ जाएगा? 3%। तो जी में कितना आ रहा है? 3% आ रहा है। या बीच के अगर आपको टेंशन ही हटाना है, बीच का अगर आपको टेंशन ही हटाना है कि कितना राउंड ऑफ कब करना है, तो आप क्या करो, सबसे बेस्ट क्या है? द बेस्ट थिंग इज एक सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा लो, इसका एक्चुअली सिग्निफिकेंट डिजिट 1 आना चाहिए, लेकिन यू कीप वन एक्स्ट्रा, 2 ले लो, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 1 आना चाहिए, आप एक एक्स्ट्रा ले लो,
तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट भी 2 हो गया, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट भी 2 हो गया, एक्स्ट्रा ले लो, इंटरमीडिएट स्टेप में एक एक्स्ट्रा ले लो, फिर फाइनल आंसर में, अब देखो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट फाइनल आंसर में आप राउंड ऑफ करो, ठीक है, फाइनल आंसर में आप राउंड ऑफ करो। ओके स्टूडेंट्स, तो कितनों को क्लियर है, हाउ मेनी अंडरस्टूड? एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने ले लिया। नेक्स्ट क्लास में आपका हम वर्नियर कैलिपर्स टू का रिवाइज करवा देंगे, अभी टाइम है क्लास में ना, मैं 5 मिनट्स और लूंगा, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन, अगर मेरा लेंथ एक एल है, उसकी वैल्यू है 2 ± 0.2, बी है उसकी लेंथ है, उसका वैल्यू है 3 30, ये 20 है, ये 13 है, 13 ± 0.1, और एक मेरा है एच 2 ±, कैन यू फाइंड इट्स वॉल्यूम विथ परसेंटेज लिमिट? LBH क्या हो जाएगा, 2 × 13 × 20, इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है 1, इसकी 2, इसकी 1, और एरर क्या हो जाएगा, ±, एरर्स को ऐड कर दो, 0.2 ± 0.1 ± 0.13, एरर्स ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब देखो सॉल्व करो, 13 × 26 = 52 520 ± 520 ± ये क्या हो जाएगा मेरा 2 3 0.4। अब देखो इसमें डेसिमल, इसमें देखो एडिशन का सिग्निफिकेंट डिजिट लगाओ, डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो फाइनल डेसिमल के बाद कितना आना चाहिए 1, तो क्या होगा ±4 होगा ये, और ये क्या होगा, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट लीस्ट कितना है 1 है, राइट, तो इसको राउंड ऑफ करो 1 डेसिमल पे, अब 1 डेसिमल पे राउंड ऑफ करोगे तो 500 हो जाएगा, परसेंटेज लगा दो। देखो इन केस आप राउंड ऑफ करना भूल भी गए तो टेंशन नहीं, आधा मार्क कटेगा 2 में से, मतलब कि अगर राउंड ऑफ समझ में भी नहीं आ रहा है तो ठीक है, लेकिन बाकी सब समझ लो, ठीक है ना, आपका ज्यादा से ज्यादा कितना मार्क्स कटेगा, आधा मार्क्स, और अगर समझ जाओगे तो टॉप मार लोगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आपका मैं नेक्स्ट टाइम वर्नियर कैलिपर्स 2 कोर्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप में से किसी को कोई डाउट है क्या, आप में से किसी को कोई डाउट है, आपको मैं इस पे क्या करूंगा, कुछ सॉल्व क्वेश्चन दूंगा, आप उसको पढ़ लेना, I'll give you some solved questions, some 15-20 solved questions. तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे मैंने dimensional analysis के दिए, इसके भी मैं आपको solved questions दे दूंगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना, आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई एंड क्लास हियर, ठीक है। संडे को वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज का रिविजन में करवा दूंगा, ओके, थैंक यू सर।